प्रणाम, हम सभी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हैं। हम हमारे टीम में 6 सदस्य हैं। हमने चंद्रयान 3 को बनाया गया। यह हमारे भारत की विभिन्न उपलब्धियों में से एक उपलब्धि चंद्रयान 3 है। इसको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ध्रुव पर भेजने के उद्देश्य से हम लोगों ने बनाया है। यह चंद्रयान 3 के दोनों बूस्टर हैं, मेन इंजन है, ठोस इंजन है इसमें और यह लिक्विड इंजन है इसमें। 62 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद यह बूस्टर चंद्र मेन इंजन से अलग हो जाता है और 175 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद हमारा मेन इंजन अलग हो जाता है और क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारा हीट सील अलग हो जाता है और फिर हमारा क्रायोजेनिक इंजन 176.55 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद हमारा क्रायोजेनिक इंजन अलग हो जाता है और हमारा चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाता है। फिर वो चंद्रयान पे जाता है और यह हमारा लैंडर है, इसरो के प्रथम संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर इसका लैंडर का नाम रखा गया विक्रम। और यह हमारा रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया है। प्रज्ञान इसलिए रखा गया है कि इसका अर्थ होता है बुद्धिमत्ता। यह अपनी बुद्धि से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर उसके चंद्रमा के सतह का फोटो भेजेगा, केमिकल का पता लगाएगा, ये भी पता लगाएगा कि क्या चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी का अंश पाया जाता है। वहाँ के मिनरल्स को भी खोजेगा, केमिकल्स का भी पता लगाएगा और इसकी सूचना हमारे पृथ्वी पर इसरो सेंटर को भेजेगा। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लैंडर के टच डाउन पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा है। शिव में मानव कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुसार अब चंद्रमा मामा दूर नहीं, अब टूर के हैं। धन्यवाद। तो ये इसरो की तस्वीर इन बच्चियों द्वारा बनाई गई है। कितना वक्त लगा इसको बनाने में? सर टोटल 1 हफ्ता लगा है सर। तो कौन कौन चेहरे हैं जो इस प्रोजेक्ट को मिलकर बनाए? सर ये ग्रुप में बनाए, हम लोग 6 लोग ग्रुप में बनाए हैं। लोग सावित्री, मैं डीएलएड फर्स्ट सेम की छात्रा हूँ। अल्फिया फातिमा, मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। प्रिया सिंह वर्मा, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा। मैं सत्य प्रकाश, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। तो ये वो बच्चे हैं जो इस तस्वीर को अपनी मेहनत से रोए हैं, सजाए हैं, बनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह एक प्रकार का डेमो है और ये हमारा मेन रॉकेट है। यह इसको वास्तविक रूप में ही इसे उड़ाया जाएगा, अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसे क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? मेन इसका उद्देश्य ये था कि जो दक्षिणी ध्रुव पे जो एरिया है वहाँ पे जाके पता करेगा, जहाँ पे कोई देश नहीं गया है। ये पहला भारत पहला ऐसा देश है जो दक्षिणी ध्रुव पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया है भारत में। मेरे उसका सॉफ्ट लैंडिंग था, चांद के सतह पे जाके वहाँ पे जो भी तत्व हैं, एलिमेंट्स है, उसके बारे में पता करेगा कि वहाँ पानी है कि नहीं है, हाइड्रोजन है कि नहीं है, ऑक्सीजन है कि नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।